जनता आंसू ने आपका सीएम तक पहुंचाया, पब्लिक का पावर से पहुंचा। अक्सर हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, कोई मुद्दा उठाता है, कोई इशू को लीड करता है, बाद में इशू को जो लीड करता है वो ही इशू को बेच के खा देता है। दचीपुरु तडांग नालो सर, आपको मैं बता दूं। नमस्कार अरुणाचल प्रदेश का जनता, जो कोई जहां से भी देख रहा है, आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, अक्सर हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, कोई मुद्दा उठाता है, कोई इशू को लीड करता है, बाद में इशू को जो लीड करता है वो ही इशू को बेच के खा देता है, या तो वो इशू को बेचने के बाद पब्लिक को गुमराह कर देता है। खैर, ये चीज़ तो सदियों से होते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम पब्लिक सब मिलके ऐसे कल्चर को भी बंद करना हो। जो इशू को लीड कर रहा है वो सही से लीड करो, नहीं तो लीड करने के लिए और हज़ारों लाइन पे करा है। इसलिए जो इशू को डाइवर्ट करने का, पब्लिक को गुमराह करने का जो कल्चर सदियों से चलता आ रहा है, इसको भी साइड हम पब्लिक को मिलकर सबसे पहले इसको भी क्लियर करना होगा, यानी कि इसको भी इशू से हटाकर दूसरा लीडर को चुनकर लीड करने का मौका देकर हमारा अरुणाचल का इंसाफ के लिए हम लोग को लड़ना होगा। सबसे पहले आप एक वीडियो को देख लो, फिर आगे का बात शुरू करते हैं। ये अभी हम लोग पूरा अरुणाचल में, पान अरुणाचल में, इंटर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मूवमेंट जो रैली कंडक्ट कराएगा, अवेयरनेस क्रिएट कराएगा कि ये मुद्दा कहाँ तक हम लोग का यहाँ पे रिपरकेशन हो सकता है फ्यूचर जनरेशन को। और स्पेशली 20th ऑफ दिस मंथ हम लोग आलो में पास हम लोग एक रैली कंडक्ट, मैसिव रैली कंडक्ट करेगा। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस फैलाने का बात कर रहा है, मैसिव रैली कंडक्ट करेगा, आलो से शुरुआत करेगा बोल रहा है। दचीपुरु तडांग नालो सर, आपको मैं बता दूँ, अरुणाचल का गली गली में जनता बच्चा बच्चा को, जहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचता है, जहाँ में कोई करेंट का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, वहाँ तक कवर है, सबको अवेयर है कि नौकरी खरीदा जाता है, नौकरी खरीदा गया है और नौकरी बेचा गया है, गरीब जनता का सपनों को चूर चूर करके मारधर किया गया है, ये सब आपको अच्छा से पता है, सबको पता है। अभी किस प्रकार का अभी अवेयरनेस फैलाएगा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में यूनिट खोल के, आप लोग नहीं सकता है तो सीधा इशू से हाथ जाओ। हमारा इंडिविजुअल इशू है, हमारा पान और अरुणाचल का इशू है बोल के वहाँ में हम गरीब जनता का साथ मजाक मत करो। आप लोग को हम लोग डे वन से फुल रेस्पेक्ट का साथ फुल सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप हमारा गरीब जनता का वो इशू को उतार रहा है जो सदियों से हमारा साथ जीते जी मारदार करता आया है, हमारा सपनों को चूर चूर करता आया है, उस इशू को आप लोग रेवोल्यूशन लाने के लिए इशू उठाए हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट किया है। ये कोई मजाक है? हाँ, आप बोलता है आंसू ने आपका मेमोरेंडम को सीएम का टेबल में प्लेस किया है, गंता आंसू ने आपका सीएम तक पहुंचाया, पब्लिक का पावर से पहुंचाया। आंसू ने 6 महीना में एक बार बंद कॉल किया, उससे क्या रिजल्ट मिला? जूत मौत का। ऐसा नहीं करना है, इशू को ले जाना है तो 2 दिन का बंद कॉल का मल्टीप्लाई 4 दिन करना है। क्या है ये सब? अरुणाचल में ऐसे ही क्यों होता है? जब हम लोग दिल से सपोर्ट करता है, चलो ये वाला इशू तो सही है, इसको सक्सेस कराएगा, उसके सपोर्ट करता है, तो उसमें आने लीड करने वाला लीडर ही हमेशा बैक थ्रू कर देता है या क्या कर देता है पता नहीं, ऐसा नहीं होना है। और हाँ, ये हमारा ताओ पोल, हमारा नारी शक्ति, हमारा हाउस होल्डरम तना तमर, आप लोग बहुत चीज़ को अच्छा से लीड किया था, आप लोग ने समाज के लिए सोच के कदम उठाया था, लेकिन आप लोग भी बोला था कि प्रेस ब्रीफिंग में बोला था कि ये मार्च तक अगर नहीं होता है तो खुलासा करेगा, अप्रैल में करेगा, शुरू करेगा बोला था आप लोग, प्रेस ब्रीफिंग किया था। क्या हो गया आप लोग भी? आप लोग का भी अभी कोई आता पता नहीं, और उस दिन देखने को मिला ये इशू हमारा नहीं है, अभी पान अरुणाचल का इंडिविजुअल है ऐसा बोल रहा है। तो ये पान अरुणाचल इंडिविजुअल इशू है तो हम लोग को किस लिए हमारा पब्लिक को बेकार में सड़क में उतर के इतना तकलीफ करने दिया?
ये नहीं होता है ऐसा। आप लोग हमेशा हम लोग का साथ ऐसा मजाक करता है। अभी जहाँ में मर्डर होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वो भी मजाक करता है। एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, सीएम सब हमारा साथ मजाक करता है। बहुत हो गया मजाक। जनता लोग अभी तय करना है, ऐसा नहीं होगा। तड़क नालो तच्ची पुरो सर, क्लियर करो। आप लोग दो दिन का बंद कॉल को मल्टीप्लाई करेगा ना, या रैली कंडक्ट करेगा? कोई रैली हम बोलते हैं, अरुणाचल का जनता जितना है सबको हम बोलते हैं, कोई उस रैली में एक कदम नहीं घुसना है। क्या करेगा अभी रैली कंडक्ट करके, पालतू का अभी रैली कंडक्ट करके? अभी नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, यह बहुत गलत बात है। थैंक यू, मैं और इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रेस ब्रीफिंग देख के मुझे बहुत दुख लगा, इसलिए गलत बोला है तो माफ़ कर देना। लेकिन तची पुरो तरग नालों से हम माफ़ी नहीं मांग रहे, और बाकी जनता से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय और नक्सल।